अग्नेश्वरस्तितनवांसपते सरासौ चंद्र पुरेन्द्र गुरौ चकलत्रलाभं कामेश शुच शुक्र गृहे मरंत्रणेन्दौ केन्द्रेऽथवा गुरुयुते सति गोचरेण। विवाह कौंस कब होगा, विवाह का क्या वर्ष मास का निर्णय है, लोग प्रश्न करते हैं विवाह कब होगा। या ज्योतिष सीखने वाले मित्र ये पूछते हैं या उनको कोई पूछता है कि किस समय विवाह होता है, तो अभी मैं ये बृहत पाराशर से ये सूत्र आपके समक्ष रखा। इसका अर्थ ऐसा है, लग्नेश्वर स्थितनवांस पते, लग्नपति जिस नवांश में हों वह उसी नवांशपति का क्षेत्र में अथवा उससे सप्तमपति क्षेत्र व शुक्र क्षेत्र में चंद्र और बृहस्पति समागते होने से वह लग्न में चतुर्थ में सप्तम में दशम में बृहस्पति का आगमन होने से विवाह होता है। एक छोटा सा सूत्र आपके समक्ष रखा, इस अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बड़ा सहज है। यानी लग्नपति जिस नवांश में होंगे वह उस जहां पर हैं उस नवांशपति के क्षेत्र अथवा उससे सप्तम क्षेत्र में वह शुक्र क्षेत्र चंद्रयुक्त वह बृहस्पति समागते चंद्र और बृहस्पति का मिलन के समय युति के समय और लग्न से चतुर्थ सप्तम और दशम लग्न से चतुर्थ लग्न में या लग्न से चतुर्थ या लग्न से सप्तम या लग्न से दशम स्थान पे अगर बृहस्पति हों या आए तो विवाह का समय पाणी ग्रहण का समय होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में मैं आचार्य संजय हर एक वीडियो में एक ही बात हम आपके समक्ष सूचना दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा केमद्रुम या दरिद्र दोष आदि में पीड़ित है तो और अपने जीवन पर आर्थिक तंगी में जीवन अतिवाहित कर रहे हैं तो आप हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के साधना और गृहरिष्ट खंडन के माध्यम से अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और ऐसे साधना करना जिसमें श्रीयुक्त श्री सुक्त साधना श्री यंत्र साधना कनकधार स्तोत्र साधना महालक्ष्मी माँ भुवनेश्वरी साधना इत्यादि करके, और केवल साधना करने से नहीं होता है, कितना भी साधना करें कर्म उसके साथ चाहिए। तो इसलिए हमारा संगठन इस प्रकार के बेकार बेरोजगार युवकों के लिए स्वावलंबन स्वरोजगार के कई सारे कोर्स ट्रेनिंग चलाते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान भी आपका रोजगार होता है, लर्न एंड अर्न पढ़ाई के साथ कमाई हमारा काम चलता है। तो आप लोग इसलिए कृषि गोरक्षा वाणिज्य स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रकार के ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं और अपने जीवन के आर्थिक स्थिति को सुधार और मजबूत कर सकते हैं। और गांव-गांव में शास्त्र और आध्यात्म ज्ञान का स्थिति हेतु गांव-गांव में छोटा छोटा गुरुकुल मॉडल गुरुकुल के लिए गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण हेतु भी आप प्रशिक्षण में आ सकते हैं और इसमें भी ट्रेनिंग के साथ रोजगार का व्यवस्था रहता है। क्योंकि गांव-गांव में गुरुकुल गांव-गांव में औषधि वाटिका फल बगीचा पुष्प वाटिका गांव-गांव में
जंगल का निर्माण, इस प्रकार के प्रोजेक्ट लेके हम लोग चल रहे हैं। और गांव-गांव में एस्ट्रोथेरेपी चिकित्सा केंद्र, जिससे देश का मेडिसिनल खर्चा बचे और जो मेडिसिनल मेडिकल लूट चल रहा है, इससे देश को बचाया जा सके। नमस्कार।